अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने दलित बंधु के तहत वेस्ट मार्केट पल्ली में व्हीकल्स की तकसीम, दलित बंधु तेलंगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रियासती वज़रा के मुतालिका हलकों में जारी पटना प्रगति प्रोग्राम में शिरकत, साफ सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत। मजलिसी अराकीन असेंबली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों डिविजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, मुकामी आवाम से मुलाकात, मसाइल हल करने का तयखुन। हज 2022 के दौरान आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में हज हाउस में जायज़ इजलास, वज़ीर दाखला और मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम पर सालाना करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि रियासत के दलितों को ख़ुद मुख्तार बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने वेस्ट मारेटपल्ली में इस स्कीम से इस्तेफादा करने वाले 28 दलित ख़ानदानों में व्हीकल्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर हैदराबाद शर्मिन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR की जानिब से इख्तराई स्कीम दलित बंधु का आगाज़ करते हुए रियासत के दलितों की मौशी पसमानदगी को दूर करने का बेड़ा उठाया गया है और हुकूमत इस अहम काम में कामयाब हुई है। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीलपुरा डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। पाशा कादरी ने नाले के तामीरी और तौसीई कामों का भी मुआयना किया और मशहूरा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर दबीलपुरा वालाजही के अलावा अहदेदार भी मौजूद थे। दबीलपुरा इलाके में आज रोड वाइडनिंग के जिमन में जब्बार होटल से शेख फैसी कमान तक सर्वे किया गया, दौरा किया गया। नतीब मिलत बैरिस्टर सोद्दीन हिसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर यह दौरा किया गया। अभी हाल ही में यहाँ के मुकामी लोग आकर दारुसलाम में सदर मजलिस से नुमाइंदगी किए थे और उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया कि हम रोड बाइंडिंग के या डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है, आप डेवलपमेंट कीजिए, रोड बाइंडिंग भी कीजिए, लेकिन हमको जितना नुकसान हो रहा है जो मार्किंग के लिहाज से हम महसूस कर रहे हैं वो उस नुकसान में थोड़ा हमारे साथ रियायत कीजिए। चुनाचे सदर मजलिस इन लोगों की मौजूदगी में मुझे पाबंद किए थे कि आप सर्वे करो, करके एक रिपोर्ट तैयार करके मुझे बताओ। मैंने आज सर्वे किया, ये बात तो मुसलमा है कि याकूतपुरे में शेख फैस कमान जब्बार होटल के अलावा नागा बोली कोटले हसनुल्ला खां लब्बैक होटल से ईदगाह मीर आलम धोबी घाट तक और मुर्तुजा नगर में यहाँ के एक्शन प्लान तैयार हो चुके हैं, मार्किंग भी की गई है, नोटिस देना बाकी है। कोशिश इस बात की जा रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट आए, रोड वाइंडिंग हो, वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट बढ़े और लोगों में भी अच्छा मुजाहरा हो, लोग एतराज़ कर। हज पर रवाना होने वाले आज़मीन को सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में हज हाउस में एक जायज़ इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर AK खान, वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्ला और आंध्रा हज कमेटी के सदरनशीन और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने इस मौके पर बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर आज़मीन को तमाम सहूलियात
فراہم کی جائیں گی اور اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بتایا کہ ہمیشہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے عازمین کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جاتے ہیں اور اس سال بھی تمام محکمہ جات آپسی تال میل کے ساتھ کام کریں گے اور عازمین کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو ایسے اقدامات کیے جائیں گے۔ سرنشین حج کمیٹی محمد سلیم نے بتایا کہ حج ہاؤس سے لے کر ایئرپورٹ تک بھی بہتر سے بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں عہدیداروں کو انتظامات کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی گئی۔ جو حاجی حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، آج حج ہاؤس میں تمام ڈپارٹمنٹ جو اس سے انوالو ہے اس کے اندر ان کے خدمات دیتے ہیں، ان کی میٹنگ بلائی گئی تھی، خاص طور سے ہمارے مائنورٹی مسٹر کپلا ایشور صاحب اور ہمارے چیئرمین سلیم صاحب اور ایک اتفاق اس مرتبہ ہمارے آندھرا کے چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں اور آندھرا کے سیکرٹری صاحب بھی، امتیاز صاحب بھی اور ہمارے سیکرٹری صاحب اور شفیع اللہ صاحب جو ارینجمنٹ دیکھتے ہیں۔ تمام لوگوں نے، تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ڈسکشن کیا اور اے کے خان صاحب جو ہمارے سی ایم صاحب کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے اس کارروائی چلائی ہے اور کافی ہر سال یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے سی ایم صاحب ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں، انہیں اچھے سے انتظامات کرتے ہوئے ان کے روانہ کیجیے اور انہیں ریسیو کیجیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں دلی سے بہت سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، جب حاجیاں جاتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں کسی اسٹیٹ میں اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں تو وہ تلنگانہ اسٹیٹ ہے۔ تو ڈیفینیٹ اس مرتبہ بھی اچھے سے اچھے انتظامات کیے جائیں گے اور تمام ڈپارٹمنٹ میں، خاص طور سے سعودی ایئر لائنس کے عہدیدار یہاں پر تھے اور ہمارے ایئرپورٹ کے جو جی ایم آر کے عہدیدار تھے، یہ دونوں پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہاں کے جتنے حج کمیٹی کے ممبرز بھی موجود تھے، انتظامات اس مرتبہ بہت اچھے سے اچھے کرنے کا وعدہ کیے اور ضرور کیے جائیں گے۔ حاجیوں کے لیے خاص طور سے سی ایم صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا تلنگانہ بننے کے بعد کہ جتنا بھی بجٹ چاہیے میں دوں گا۔ منسٹر صاحب اور ہمارے کپلا ایشور صاحب، مائنورٹی منسٹر، حج کمیٹی چیئرمین صاحب، وقف بورڈ کے ہمارے آندھرا کے چیئرمین صاحب اور ایم ایل سی صاحب اور اے کے خان صاحب اور شفیع اللہ صاحب، قادر صاحب اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری آندھرا کے امتیاز صاحب اور ہمارے حج کمیٹی کے ممبرس اور آل ڈپارٹمنٹس کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنا قیمتی ٹائم لے کر سب لوگ یہاں پر ٹائم دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ خدمت حاجیوں کی کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریشن صحیح رہنا بول کے پورے ڈپارٹمنٹ اسٹاف اور پورے ہمارے منسٹرز تلنگانہ گورنمنٹ کے سب لوگ مل کر جو ہے نا ایک اچھی ٹیم ورک کر کے محمود علی صاحب اور ہمارے کپلا ایشور صاحب کی صدارت میں جو ہے سب لوگ، اے کے خان صاحب، سب ہم مل کے جو ہے اللہ چاہے تو جو ہے نا اس کو سکسیس کریں گے پورا۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو ہے نا پورے ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ لوگ سب مل کے ایک اچھا ٹیم ورک کر کے جو ہے حاجیوں کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہیں ہوئے ویسا، وہ لوگ یہاں سے ہیپی جانا ہے پھر ہیپی آنا ہے۔ اور ہم لوگ بھی جو ہے ایک کنٹرول روم کھول رہے ہیں، 24 آورس آن رہیں گا، ہر 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی ڈالیں گے ہم لوگ یہاں سے حاجیاں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کے علاوہ چیف سیکرٹری سومیش کمار سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر محکمہ سول سپلائیز کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے رائس ملز کے مسائل کا جائزہ لیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں پردھان منتری غریب یوجنا اسکیم کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ڈی اروند نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ مرکزی حکومت کی اسکیمات کو تلنگانہ میں روب عمل نہیں لا رہی ہے۔ صدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا نے ضلع کھمم کے سری پورم منڈل میں پد یاترا کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی، ان کے مسائل کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے بتایا کہ آن جہانی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی نے 2004 سے 2009 تک اپنے انتخابی منشور پر مکمل عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں عوام آج بھی یاد کرتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے 8 سال گزر جانے کے بعد بھی عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయితే రత్ కేసీఆర్ గారు మీకేం చేశాడు, మీ గ్రామానికి ఏం చేశాడు, మీ కుటుంబానికి ఏం చేశాడు, మీ బిడ్డలకు ఏం చేశాడు? ఒక్కరైనా బాగుపడ్డారా కేసీఆర్ గారి హయాంలో?
మరి కేసీఆర్ దగ్గర ఏ ప్రజలైనా ఎందుకు ఉండాలి, ఏ నాయకులైనా ఎందుకు ఉండాలి, సమాధానం చెప్పాలి. కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి కూడా, ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి కూడా కనీస మద్దతు ధర కూడా రైతుకు రావటం లేదు అంటే ఇక ముఖ్యమంత్రి ఎందుకున్నట్టు, ఈ మంత్రులు ఎందుకున్నట్టు, ఈ యంత్రాంగం ఎందుకున్నట్టు ఆలోచన చేయండి. కనీసం రైతుకు పండించే పంటకు కూడా గౌరవం. रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को महबूबगंज मार्केट का एग्रीकल्चर मार्केट शोबे के सदर नशीन के हमरा तफसीली दौरा किया. मुकामी ताजरीन की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया गया. रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कमेटी के जिम्मेदारों और मुतालिका अहदेदारों के हमरा मार्केट का तफसीली दौरा किया गया और यहाँ पर सीवरेज लाइन, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और कचरे की नक्कासी का अहम मसला है. रुकन असम्बली ने मजीद बताया कि इन मसाइल पर मुतालिका महकमे जात के साथ इजलास मुनक़िद किया जाएगा और कामों की यकसोई के लिए फंड्स के हुसूल के साथ साथ मलकपेट महबूबगंज के मसाइल की यकसोई को भी यकीनी बनाया जाएगा. इस मौके पर हैदराबाद एग्रीकल्चर मार्केट की सदर नशीन अनीता नायक ने बताया कि गंज के मसाइल से रुकन असम्बली अहमद बलाला को वाकिफ करवाया गया था और उन्होंने फौरी गंज का दौरा किया. उन्होंने तारीन से अपील की कि मसले की यकसोई के बाद कचरे को बाहर फेंकने से गुरेज करें. मुकामी तादरीन ने रुकन असम्बली को मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया जिस पर उन्होंने अहदेदारों को यकसोई की हिदायत दी. अभी हम आज यहाँ पर गंज के अंदर गंज की कमेटी और यहाँ के रेस्पेक्टिव एसोसिएशन के साथ पूरा फिरे हैं ऑफिसर्स के साथ. यहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम्स है तो सीवरेज लाइन का है और आपके रोड्स का है, स्ट्रीट लाइट का है और सबसे बड़ा गार्बेज का है. तो ये चारों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और ड्रेनेज का क्या प्रॉब्लम है, कितने का काम है, आई हैव इन्फॉर्म देम टू कम विद ऑल डिटेल एस्टिमेट्स. तो उसके बाद हम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे. कमेटी और एसोसिएशन और गवर्नमेंट के जो रेस्पॉन्सिबल HDS जो है उन सब के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे फ्रॉम वेयर टू गेट द फंड एंड आई विल सी दैट आई विल जनरेट द फंड्स एंड यहाँ के जो भी काम है वो कराने के लिए पूरी कोशिश कर गंज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेंगे. आज बलाला साहब आके मार्केट विजिट करें. इधर थोड़ा ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत साल से है कहते, और वाटर प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम और ये कचरे के प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं सब लोग, बिजनेस वाला और फार्मर्स आल्सो. इसलिए वो साहब आके देख कर गए. वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. इतना जल्दी होता उतना हम लोग सॉल्व करने के लिए सब लोगों को मदद देके करने के लिए कोशिश कर रहे. सब लोगों का सपोर्ट भी होना, आप लोगों का भी होना. एक क्लीन करने के बाद भी सब लोग वो कचरा बाहर फेंकना बंद करे तो अच्छा रहता. और ये ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम रहता, सुबह आए तो पैदल पे भी नहीं आ सकते. एक डिसिप्लिन में आए तो बहुत अच्छा रहता सब लोगों का. एक मैं रिक्वेस्ट कर रहे एक एक हम लोग सब पे करना बहुत मुश्किल रहता. इसलिए आप भी शॉप के बाजू को रखना, एक लाइन पे जाना, कुछ तो सॉल्यूशन निकले के लिए आज मार्केट विजिट करे. MLA साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते. महेश्वरम मंडल के गोलुरु देहात में रियासती वजीर सबीता इंदा रेड्डी और ई दया कर राव ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अफ्तिताह संग बुनियाद रखा. रियासती वजीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने वजीर पंचायत राज ई दया कर राव के हमरा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया. इस मौके पर अमीरपेट देहात से मानेक्य नोगुड़ा तक के 11 करोड़ रुपये के मसारिफ से तामील की गई सड़क का अफ्तिताह अंजाम दिया गया. रियासती वज़रा ने एक ग्राउंड का भी अफ्तिताह अंजाम दिया. वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में तरक्की को पहली तरजीह दी जा रही है और इसके लिए मुमकिन इकदाम भी जारी हैं. इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ अहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे. पल्ले प्रगति కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కొంచెం సైడ్ కొంచెం సైడ్
जलपली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 3 की रॉयल कॉलोनी मेन रोड पर पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेखाद अमल में आया। इस मौके पर समाजी तंजीम की सरगर्मियों का सदरनशीन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने मुआयना किया, जबकि इस मौके पर इलाके का तफसीली दौरा भी किया गया और प्रोग्राम के दौरान शजरकारी भी अंजाम दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि तंजीम की तरफ से रोहिंग्याई पनाहगजीनों की मदद की जा रही है। सदरनशीन ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान आवाम के मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है और आवामी मसाइल की यकसुई को अवलिन तरजीह दी जाएगी। کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری حکومتی پروگرام پٹنہ پرگتی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس کے تحت کئی اہم کاموں کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مجلس رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی زونل کمشنر اور دیگر محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے اس موقع پر شجرکاری بھی انجام دی۔ انہوں نے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ گھر گھر پہنچ کر عوام میں بارش کے موسم میں ہونے والی بیماریوں کے سلسلے میں شعور بیدار کریں۔ اس موقع پر کوثر محی الدین کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، محمد ہارون فرحان کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ آج حلقہ کاروان میں پٹنہ پرگتی پروگرام کا کئی مختلف بلدی ڈویژن کے اندر جی ایچ ایم سی کے زونل کمشنر سینٹرل زون اور ان کے تمام سبارڈنیٹ کے ساتھ میں اور واٹر ورکس کے تمام عہدیداروں کے ساتھ میں دورہ کیا گیا، جس کے اندر حکیم پیٹ پنٹے کے اندر جو حکیم پیٹ سالار ملک پارک کو جو پرتھ انوگریشن ہوا تھا، اس کے اندر بچوں کے جھولے اور چند مینٹین سول ورک تھے، ان تمام کاموں کو بتایا گیا اور انشاءاللہ طے خون دیا گیا جلد سے جلد سینکشن کرنے کا۔ اس کے بعد سے حکیم پیٹ سالار برج جنکشن امپرومنٹ کے تعلق سے بتایا، وہ بھی اپرول پہ ہے اور اس کا پھر ایک پلان بنانے کے لیے ہدایت دی گئی اور وہاں پر جو جھوپیاں وغیرہ ہے جو ہٹس ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا۔ اس کے اندر کئی کافی دنوں سے وہاں پر شراب، گانجا اور کئی غلط کام ہو رہے ہیں۔ سامنے مسجد ہے، فنکشن ہال ہے اور وہاں پر کئی نوجوان خراب ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کئی مرتبہ کمشنر بلدیہ اور ڈی سی پی صاحب کو بھی بتایا تھا، پھر آج پٹنہ پرگتی پروگرام میں بتایا گیا اور وہاں سے لے کر کمپنی باغ، احمد کالنی اور ان تمام بغداد کالنی، ان تمام علاقے جات کا تفصیلی دورہ کیا گیا اور وہاں پر بھی کئی مینٹیننس کے کام ہیں، ان تمام کاموں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرایا اور وہاں پر آئرن کلبرٹس، دیگر نالے کے اوپر بھی ڈی سیلٹنگ کا کام، ان تمام کاموں کو تہ خون دیا کے اور ہدایت دی کہ ان کے تمام سبارڈنیٹ کو 2 دن کے اندر اسٹیمیٹ پریپئر کر کر لا کے دے، وہ تمام کاموں کو سینکشن کرنے کا تحفظ دیا گیا اور وہاں سے لے کر کٹر ہاؤس کا بھی دورہ کیا گیا، جو کٹر ہاؤس پچھلے سال بارش کے اندر پوری دیوار گر گئی تھی اور وہ کام کو چالو کرنے کے لیے بھی بتایا گیا۔ اور اس کے بعد شاتم نگر اور ملٹری ہمارے پولیس کوارٹرز جمالی درازہ، ان تمام علاقے جات کا تفصیلی دورہ کیا گیا اور کئی علاقے جات کے اندر نئے کام سینکشن دینے کا تحفظ دیا گیا۔ اس پروگرام کے اندر تمام بلدیہ کے عہدیدار، دیگر آفیسر بھی شامل تھے اور نانا نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین صاحب اور ٹولی چوکی نمائندہ کارپوریٹر جناب فرحان صاحب اور جماعت کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکرز تمام شامل تھے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر پھر 1-2 دن کے اندر، ہفتہ یا اتوار کے دن، دیگر علاقے جات کے اندر، چاہے وہ کاروان ہو یا رنگروز کے علاقے میں، پٹنہ پرگتی پروگرام کے اندر تمام عہدیداروں کے ساتھ میں پھر کیا جائے گا۔ شکریہ خدا۔
जोबजहिज़ वाक़े के सिलसिले में हाई कोर्ट के वकला की तरफ से आज एहतजाज किया गया। एहतजाजी वकला ने कहा कि शहर में कम उम्र लड़कियों के साथ इस मतरेजी के वाक़ात में इजाफा हो रहा है, फौरी इस सिलसिले में हुकूमत को इकदाम करना चाहिए और मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एहतजाजी वकला की तरफ से इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असेंबली हल्के नामपली जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि मौजूदा माशरे में लड़कियों की तालीम अहमियत की हामिल है और इन्हें जेवर तालीम से आरास्ता करना किसी भी तालीमी इदारे का मकसद होना चाहिए। जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम में नौ तामीर करदा इमारत में मुंतकिल किए गए इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल में मुनक़िदा तकरीब से मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इदारे की काविशों की सताइश की। इस तकरीब की सदारत सादतुल्ला हुसैनी डायरेक्टर स्कूल ने की, जबकि प्रोफेसर रहमतुल्ला साबिक इंचार्ज वाइस चांसलर मानो और सोशल वर्कर खालिदा परवीन ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। इब्तिदा में प्रिंसिपल स्कूल ने खैर मकदम किया और स्कूल की रिपोर्ट पेश की। प्रोफेसर रहमतुल्ला और सादतुल्ला हुसैनी ने तालीम की अहमियत और मौजूदा दौर में तालीम के मेयार के सिलसिले में तफसीली खिताब किया। डायरेक्टर्स रशादुद्दीन और प्रोफेसर खालिद मुबशर जफर के अलावा असातिज़ा तलबा तालिबात और सरपरस्त के साथ साथ औलिया तलबा की कसीर तदाद भी मौजूद थी। एक साल मुलाजमत मुकम्मल करने वाले स्कूल टीचर को खसूसी मुशाहरा भी दिया गया। मुबारकबाद है उन माँ बाप जिन्होंने ये तरकीब को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को आला तालीम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर कोई बच्ची अगर पढ़ लिख कर काबिल हो जाए, तो उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। वो अगर जाएगी तो ससुराल में अपना नाम करेंगी और अपनी आने वाली नस्ल को ये बता सकेगी और पढ़ा सकेगी और माहौल को बदल सकेगी। इसके लिए आज लड़की का तालीम में आपका होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इनसाइड ने काफी डिटेल के अंदर दुनियाई दीनी उसके साथ स्पोर्ट्स के मैदान में और जो माहौल चल रहा है उसको तकरीबन सब चीज को लेकर आके एक जो स्कूल बना है उसका नाम इनसाइड स्कूल है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि उमन ये होता है अगर फर्ज करो हमारा बच्चा या बच्ची है उसको स्कूल में डालने का जब टाइम आता है वो टाइम पे हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कौन से स्कूल में डाले। क्योंकि मेरी नजर के अंदर माँ के बाद अगर कोई देखभाल कर सकती है तो वो टीचर कर सकती है। क्योंकि तीन साल एक माँ अपनी औलाद को अपने जिगर के टुकड़े को अपने करीब लगाती है, उसके बाद जब उसका टाइम आता है घर से 6-8 घंटों के लिए उसको छोड़ने का है तो वो सोचती है कि मैं कौन से स्कूल में डालूं और वो कौन से टीचर्स होंगे जो मेरी ममता की मोहब्बत मेरी लड़की को या लड़के को दे सकेंगे। तो उसके अंदर अपने आप में इनसाइट का मैंने जब डिस्कशन कर रहा था मुझे पसंद इसीलिए आया है। आप ये मत समझिए जो तो 3 साल की बच्ची होती है, एक मासूम बच्ची होती है, वो अपना घर का कदम जब बाहर निकालती है अपने माँ बाप अपने रिश्तेदार को छोड़ के जब आगे बढ़ती है तो उसको सब नई नई शक्ल दिखती है। उसके अंदर फर्ज करो आप ममता आप अपनी ममता की मोहब्बत देते हैं तो लड़की हमेशा। मजलिस कायदीन की जानिब से मुतालिका हलकों और डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों को तकमील करने के सिलसिले में इकदाम जारी है। हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीजन के इलाके जार डायमंड हिल्स रिजवान कॉलोनी नूर कॉलोनी और उसके अतराफ व अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को काम जल्द अज जल्द तकमील करने की हिदायत भी दी। इसके अलावा साफ़ सफाई और आबरसानी के मसाइल का भी जायज़ा लिया गया, जबकि इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए।
मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में मुबैना गुस्ताखी का एक मामला सामने आया है। बताया गया है कि मीर चौक हदूद में वाक़े राखी जेएम किराना स्टोर में चावल के थैले पर अल्लाह तहरीर पाया गया। जैसे ही इत्तला आम हुई, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका कॉर्पोरेटर सोहेल महमूद कादरी को इस सिलसिले में पुलिस से रुजू होने की हिदायत दी। मजलिसी कॉर्पोरेटर ने पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और इस किराना स्टोर का भी पुलिस के हमरा पहुंचकर मुआयना किया। किराना स्टोर में थैले ज़मीन पर पाए गए और इन थैलों पर अल्लाह तहरीर था। अमीर इमारत इस्लामी आंध्र प्रदेश मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा भी दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि चावल के थैले पर एक तरफ गुम्मद खिजरा की तस्वीर भी थी और दूसरी तरफ अल्लाह तहरीर पाया गया। उन्होंने कहा कि दुकानदार से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो इस कंपनी से मामलात ना करें जहाँ से ये थैले आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से भी मुतालबा किया कि फौरी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहब और हमारे दलील साहब वगैरह, सुबह हम लोग आज ये दुकान पे आए हैं। यहाँ हमने देखा है चावल के थैले पर, जहाँ मदीने शरीफ के गुम्बद खिज़रा की एक जहाँ तस्वीर एक तरफ लगाई गई है, वहीं अल्लाह का नाम लिखकर एक शॉप पर रखा गया था, जिसको हमने शॉप वालों से गुजारिश की और वो हालात को देखते हुए हम उनसे मुतालबा करते हैं पुलिस से कि फौरी वो एक्शन में आए और जो भी कंपनी है उस कंपनी को फौरी उसके पूरे जितने माल सप्लाई कर रहा है वो पूरे थैले जब्त करें, वरना मजीद हालात हैदराबाद के ख़राब होंगे। या और हैदराबाद ही नहीं, पड़े पूरे इंडिया के हालात ख़राब हैं। इन हालात में हमको मिलजुल कर रहना है और ऐसे चीज़ों से नफ़रतें बढ़ेगी, मोहब्बतें नहीं बढ़ेगी। हमारे सुहेल खादरी साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं और हम से कमिश्नर सर्कल साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं और हम सर्कल साहब से पर्सनल गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में फौरी एक्शन लें और फौरी सिलसिले में वो कंपनी का कौन है जिम्मेदार उस पर नोटिस जारी करें। सर जो अमृतसर की है, ये कंपनी के जो राइस के जो बैग है इसके ऊपर चार तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और दो साइड पे गुम्मत खिजरा की तस्वीर है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम यहाँ के अवाम और ख़ास तौर से दो दिन से जो लोग जो दुकानदार है महल्ले के लोग भी उसको कह रहे थे कि भाई इस चीज़ है ये रोकना चाहिए, तो मगर उस शख्स ने कोई उसने कार्रवाई नहीं करते हुए अपना कारोबार कंटिन्यू रखा था। हमने यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट और सदर पुलिन मंजर इत्तेहादुलमुस्लिमीन की हिदायत पे मैं यहाँ मीर चौक पुलिस स्टेशन आया, यहाँ के SHO अपल नायडो साहब से मुलाकात की और सख्त एहतजाज किया कि भाई जिस दुकान पे अल्लाह का नाम रख के जो नीचे रखे हुए गुम्मत खिजरा की तस्वीर है आप वो बैग्स को आप जब्त करिए। तो पुलिस की मौजूदगी में तमाम पुलिस के ऑफिसर्स ने वहाँ पर आए, सर्कल साहब और SIs और कॉन्स्टेबल आके जितने बैग्स उस दुकान में मौजूद थे वो बैग को एक ऑटो ट्राली के ज़रिए यहाँ पुलिस स्टेशन लाया गया है। और मैं आप तमाम से मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से मैं पुलिस से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई जो हालात पूरा मन है ये लोग ला के बेच रहे हैं, आवाम जब इत्तला दे रही है तो इनका भी काम है दुकानदार का के उस चीज़ को रोक दिया जाए या उस चीज़ को निकाला जाए। जैसा आप हरकत में आके बैग खाली कर रहे थे, जितने खाली बैग है वो भी हम यहाँ पर पुलिस वाले लेकर आए और जितने बैग फुल थे वो भी पुलिस यहाँ पर अपल नायडो साहब और उनकी टीम ने पूरा यहाँ पर पुलिस ने लेकर आए। और मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी हरकत को और ऐसे जो लोग हैदराबाद की फ़िज़ा जो अमन व अमान की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पुलिस से फिर एक मरतबा मुतालबा कर रहा हूँ और सख्त अल्फाज में मुतालबा कर रहा हूँ कि साहब ऐसे हालात को आप अपने ज़िम्मे लेते हुए इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाइए और सख्त से सख्त वो राखी फुट किराना वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको चालान किया जाए और जो कार्रवाई पुलिस कर सकती है कानून के दायरे में रह के उस कार्रवाई को सख्त से सख्त किया जाए। सब क्या लगता है रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन हदूद में बेटे की सालगिरह में मुजरा पार्टी का अहतमाम करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ACP मीर चौक की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 4 शनबे की सुबह रैन बाज़ार के मंजूमिया तबले के इलाके में मुजरा पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने तहकीकात के बाद बताया कि सैयद आरिफ नामी शख्स ने अपने बेटे सैयद यासिन अरफात की सालगिरह के मौके पर अपने घर के पास मुजरा पार्टी का अहतमाम किया था। पुलिस ने
سلسلے میں سید عارف کے علاوہ سید یاسین عرفات، ساجد، فیروز اکرم اور حفیظ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ یہی پتہ چلا ہے کہ اس مجرا پارٹی کے دوران شور و غل کے مناظر بھی دیکھے گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ جب پولیس پیٹرولنگ کا اسٹاف علاقے میں پہنچا تو اس وقت عارف کا خاندان کھانا کھا رہا تھا۔ پولیس کے آتے ہی میوزک کو بند کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافی دیر تک مجرا ہوتا رہا، موسیقی پر شور شرابہ بھی ہوتا رہا، پولیس تاخیر سے کیوں پہنچی؟ عوام کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکتیں اپنے آس پاس کے علاقے میں ہوتی ہیں تو فوری پولیس کو اس کی اطلاع دیں۔ कल नाइट में आज आठ तारीख को नाइट में एक मुजरा पार्टी चला रहा था, उसके बारे में वीडियो वायरल हो रहा। उसमें इंक्वायरी करे तो ये हो गया, एक यासीन अराफत का बर्थडे, यासीन अराफत उसका यासीन सैयद आरिफ का बेटा, सैयद आरिफ शायद यासीन अराफत का बर्थडे वो हो रहा था। उसमें हम इंक्वायरी करने के बाद उसके ऊपर केस बुक करे, केस बुक करने के बाद उसमें नामा सैयद यासीन अराफत, साजिद, फेरोज़, अक्रम एंड हफीज़ का नामा मिल गया। वो लोगों के ऊपर केस बुक करे और सैयद आरिफ उनका, सैयद यासीन अराफत का फादर के भी ऊपर भी केस बुक करे। वो केस बुक करने के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने का कल प्रोड्यूस करते, वो सीबी एक्ट में बुक करे, 70B, 70C, 21/76 ये सेक्शन में बुक करे। ये कोई रात में लेट नाइट में कोई ऐसा बर्थडे पार्टी करके ये न्यूसेंस क्रिएट करे तो लेट नाइट का एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते उसके ऊपर। कोई ऐसा नहीं करना, कुछ भी करना बोले तो पुलिस का परमिशन लेना, नहीं तो उसको क्लोज करना। ये रात में हमारा पेट्रोल कार वाला स्टाफ पेट्रोल कार से टाइम पे ये मालूम हो गया। मालूम होने के बाद इमीडिएट जाके उसको क्लोज करा दिया। क्लोज करने के बाद ये इंक्वायरी करके हमारा इंस्पेक्टर केस बुक कर दिया। अभी पीसफुल है सिचुएशन। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। ریلوے پولیس نے ایک کرائم ٹیم کے ساتھ مل کر دو سارقین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ رنجن کمار سریواستو اور راجی رستوگی کو مشتبہ حالت میں ریلوے اسٹیشن پر دیکھ کر جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے تقریباً 55.1 تولے کے طلائی زیورات برآمد ہوئے۔ یہ دونوں سرقے کی 11 وارداتوں میں ملوث بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ یہ ٹرینوں میں سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ پولیس ان سے مزید پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ రికవరీ అడ్వాన్స్గా ఏసీ కోచెస్లో కొన్ని టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకుని ఉన్నారు, ఇంకా ఫర్దర్గా ట్రావెల్ చేయడానికి ఆ టికెట్స్ కూడా రికవర్ చేయాలి। జీఆర్పీ అండ్ ఆర్పీఎఫ్ టీమ్స్ కలిసి ప్లాట్ఫామ్స్ మీద చెక్కింగ్ చేస్తున్న సందర్భంగా సుమారు 6:30 ఆ టైంలో ఒక ఇద్దరు సస్పెక్టెడ్ పర్సన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। వాళ్ళని పర్సనల్గా చెక్ చేస్తే వాళ్ళ పాకెట్లో ఒక టోర్చర్ మరియు బ్యాగ్లో కొంచెం సస్పీషియస్ జ్యువెలరీ ఉన్నట్టు కనిపించింది। ఇమీడియట్గా మా జీఆర్పీ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీను వాళ్ళని స్టేషన్ తీసుకొచ్చి ఇంటరాగేట్ చేయగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 55 తులాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ రికవర్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళని ఫర్దర్ ఇంటరాగేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇద్దరు అక్యూజ్డ్, ఒకతని పేరు రంజన్ కుమార్, ఇంకొకతని పేరు రాజీవ్ శ్రీవత్సవ్, ఒకతను రాంచీ జార్ఖండ్ స్టేట్కి చెందినవాడు, ఇంకొకతను లక్నో యూపీకి చెందినవాళ్ళు। వీళ్ళిద్దరూ కూడా క్లాత్ బిజినెస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ బిజినెస్ చేస్తారు।
అయితే ఈ జ్యువెలరీలో భాగంగా క్లాత్ బిజినెస్లో భాగంగా హైదరాబాద్లో ఒకరికొకరికి పరిచయం ఏర్పడి ఇక్కడ సేల్స్ చేసేవాళ్ళు, జ్యువెలరీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ అండ్ క్లోత్. ఆ సందర్భంగా పరిచయం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత ఈ కోవిడ్ టైంలో బాగా లాస్ రావడం జరిగింది. అయితే ఒకసారి ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ అఫెన్స్ 2019లో ఒక బ్యాగ్ని థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇది అబిచువల్గా మారిపోయి 2019 నుంచి 22 వరకు కూడా మొత్తము 11 అఫెన్సెస్ చేశారు. వీళ్ళ ఎంఓ ఏంటంటే మెయిన్గా ట్రైన్స్లో ఏసీ కోచెస్లో ట్రావెల్ చేస్తారు. ఏసీ కోచెస్లో కాకుండా జనరల్ బోగీలలో కూడా కొన్ని అఫెన్సెస్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కూడా చేసినవి ఉన్నాయి. కానీ మెయిన్గా మాత్రం ఏసీ కోచెస్లో ట్రావెల్ చేసి వాళ్ళు ప్రయాణికులు నిద్రపోతున్న టైంలో వాళ్ళ బ్యాగ్ని మొత్తం థెఫ్ట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఆ టోచర్తో ఆ జిప్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న వాల్యుబుల్ ఆర్నమెంట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ బ్యాగ్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అదే ప్లేస్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే వీళ్ళు రీసెంట్గా 5th మంత్లో అండ్ 4th మంత్లో కోకనాడ ఎక్స్ప్రెస్లో దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అయితే చాలా వరకు ఇప్పుడు ట్రైన్స్లో సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అయితే మా వాళ్ళు सरवानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वाक़ अमृतसर के सरबराह हेमंत मित्तल ने चावल के थैलों पर अल्लाह तहरीर किए जाने पर मौजरत खाही की है. उन्होंने अपना मौजरतनामा जारी करते हुए वीडियो भी पेश किया और बताया कि उर्दू ज़बान की नावाकफियत की वजह से अनजाने में ये गलती सरजद हुई है. उन्होंने कहा कि आइंदा इस किस्म की कोई गलती नहीं होगी और मार्केट में जितने भी चावल के थैले हैं उन्हें वापस लिया जाएगा. वाज़ह रहे कि इलाही नाम के ब्रांड चावल के थैले पर अल्लाह तहरीर आने के बाद मुसलमानों ने हंगामा आरई की और इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई. नमस्कार जनाब, मैं हेमंत मित्तल सरबानी फूड्स का ऑनर हूं. हमें कल शाम को पता लगा कि हमारे कोई बैग हैं इलाहे ब्रांड के, उसमें अरेबिक में जो लिखा हुआ है उसका मतलब अल्लाह से है. हमें पहले भी ये जानकारी हुई थी तो हमने वो ब्रांड डिसकंटिन्यू कर दिया हुआ है और हम आगे इसको नहीं मार्केट कर रहे हैं और ना ही इसमें चावल भर रहे हैं. हमारा उद्देश्य किसी को भी, किसी भी मज़हब को, मुस्लिम वर्ग को या हिंदू वर्ग को, किसी को भी उनके भगवान से रिलेटेड कोई भी ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही इसका उद्देश्य पहले भी था. हमारे प्रिंटर ने अरबिक वर्ड में हमने इलाहे बोला था उसे लिखने को, उसने समहाउ कोई गलती से इसको अल्लाह का नाम दे दिया जो कि हम लोग अरबिक जानते नहीं है. इस वजह से हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए जो हमारे से गलती हुई और हम फिर भी माफी चाहते हैं. अगर किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से इसके मामले में ठेस पहुंची है हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और आइंदा हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का. कोई भी चीज हम ऐसी करते हैं तो उसमें हम लोग पहले इस चीज का खास ध्यान देंगे और बाकी हम जो भी माल अगर हमारा मार्केट में पड़ा होगा तो हम वापस उठा लेंगे. फिर से हम हमारे सारे मुस्लिम भाइयों से माफी चाहते हैं. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने दलित बंधु के तहत वेस्ट मार्केट पल्ली में व्हीकल्स किए तकसीम. दलित बंधु तेलंगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह. रियासती वज़रा के मुतालिका हलकों में जारी पटना प्रगति प्रोग्राम में शिरकत. साफ सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत. मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों डिविजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ. मुकामी आवाम से मुलाकात, मसाइल हल करने का तयखुन. हज 2022 के दौरान आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में हज हाउस में जायज़ इजलास. वज़ीर दाखला और मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों ने की शिरकत. नाज़रीन रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं. इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है. रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.